दिस इज कनिष्का एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के लेसन में हम यूनिट नंबर 14 का नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं, जिसमें आता है कंपनसेशन प्रिंसिपल। तो ये यूनिट 14 किस चीज़ की चल रही है? ये MEC 101 का सिलेबस है। तो MCE 101 का यूनिट नंबर 14 में कंपनसेशन प्रिंसिपल हम आज के वीडियो में देखेंगे। तो कंपनसेशन प्रिंसिपल होता क्या है, किसने निकाला है, इसके पीछे की थ्योरी क्या है, ये कैसे डिराइव हुआ है, ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। देन स्टार्ट करते हैं। तो इफ़ द पेरेटो क्राइटेरियन हार्म्स नो वन एंड मेक समवन बेटर ऑफ। पेरेटो क्राइटेरियन में क्या होता है, पेरेटो क्या कहता है, उसका क्राइटेरिया क्या है कि वो हार्म कर रहा है किसी को भी नहीं और किसी को बेटर ऑफ कर रहा है। तो इसको तो हम बोल सकते हैं कि वो सोशल वेलफेयर में इंक्रीज हो रहा है। अब इसका हम कंपनसेशन प्रिंसिपल नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम इसकी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं कि कंपनसेशन प्रिंसिपल निकला कैसे। तो ये पेरेटो क्राइटेरिया जो था कि जिसमें एक को वर्स ऑफ होना पड़ता था दूसरे को बेटर ऑफ होने के लिए, या एक को बेटर ऑफ होने के लिए दूसरे को वर्स ऑफ होना पड़ता था, तो पेरेटो क्राइटेरिया में अगर कोई भी हार्म नहीं हो रहा है, कोई भी वर्स ऑफ नहीं हो रहा है, पर कोई बेटर ऑफ हो रहा है, तो उसके लिए हम सोशल वेलफेयर को इंक्रीज कर देंगे। उस केस में सोशल वेलफेयर इंक्रीज हो जाता है। बट इन टर्म्स ऑफ एजवर्थ बॉक्स के केस में इट दिस फेल्स टू से एज टू वेदर और नॉट सोशल वेलफेयर इंक्रीजेस। एजवर्थ बॉक्स के केस में ये सोशल वेलफेयर इंक्रीज होता है या नहीं, ये फेल है कहना, क्योंकि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि एक को बेटर ऑफ होने के लिए दूसरे को वर्स ऑफ करना पड़ता है, पर सोशल वेलफेयर में हम सबका भला ही देखते हैं, किसी को भी वर्स ऑफ नहीं करेंगे। तो जब पेरेटो क्राइटेरिया में कोई भी हार्म नहीं हो रहा है, कोई भी वर्स ऑफ नहीं होगा, तभी हम बोलेंगे कि सोशल वेलफेयर इंक्रीज होगा, वरना नहीं होगा। सो द इकोनॉमिस्ट लाइक कैलडोर, हिक्स एंड स्काइटॉफ्स्की हैव मेड द स्टडी टू इवेल्युएट द चेंज इन द सोशल वेलफेयर। तो इन तीनों ने क्या करा, स्टडी करी कि सोशल वेलफेयर में कितना चेंज आ रहा है। अब हमें पता है सोशल वेलफेयर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज होगा या जीरो होगा, पर उसमें कितना चेंज आएगा, कितना पॉजिटिव में जाएगा, कितना नेगेटिव में जाएगा, तो ये सब इन्होंने स्टडी करा है। तो इनकी स्टडी में क्या निकला है वो देखते हैं। विच हार्म समबडी एंड बेनिफिट अदर। तो इन्होंने चेंज सोशल वेलफेयर में जो चेंज आता है वो किस में, जब कोई हार्म हो रहा होता है और कोई बेनिफिट हो रहा होता है किसी को, मतलब एक वर्स ऑफ हो रहा होता है और दूसरा बेटर ऑफ, तो उस केस में सोशल वेलफेयर में कितना चेंज आएगा, ये कैलडोर, हिक्स और स्काइटॉफ्स्की में इकोनॉमिस्ट ने स्टडी किया है। तो दे हैव पुट फॉरवर्ड अ क्राइटेरिया नोन एज कंपनसेशन प्रिंसिपल। तो इन्हीं की स्टडी को बोला जाता है कंपनसेशन प्रिंसिपल। ये कैसे, पढ़ते हैं। तो कैलडोर कंपनसेशन क्राइटेरिया, अब कैलडोर का कंपनसेशन क्राइटेरिया देखते हैं। तीनों का अलग अलग स्टडी है, पर तीनों साथ में मिला के हम पढ़ते हैं, क्योंकि तीनों ने एक ही बात कही है। इफ द क्राइटेरिया चेंज इन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन मेक सम पीपल बेटर ऑफ एंड अदर वर्स ऑफ। अगर एक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में या पेरेटो क्राइटेरिया में कोई पीपल वर्स ऑफ हो रहा है और कोई बेटर ऑफ हो रहा है, देन द चेंज विल इंक्रीज द सोशल वेलफेयर। तब जो सोशल वेलफेयर होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, ये बोलता है कैलडर। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इफ ए इज अ गेनर, मतलब ए गेनर है, दो इंडिविजुअल लेके चलते हैं हम, ए एंड बी। ए अगर गेनर है तो बी लूजर होगा, मतलब ए अगर बेटर ऑफ कर रहा है तो बी वर्स ऑफ करना चाहिए, क्योंकि पेरेटो क्राइटेरिया ऐसा ही कहता है कि एक को वर्स ऑफ होने के लिए दूसरे को बेटर ऑफ होना पड़ता है। तो अगर ए चाहता है गेनर बनना, मतलब उसको चाहिए अपना यूटिलिटी लेवल मैक्सिमाइज पे हो, यूटिलिटी लेवल उसका बेटर ऑफ हो जाए पहले से, तो बी को लूजर होना ही पड़ेगा, क्योंकि बी को वर्स ऑफ होना ही पड़ेगा, दोनों बेटर ऑफ तो नहीं हो सकते। तो हु लूजेस इट्स यूटिलिटी लेवल टू मेक ए बेटर ऑफ। तो लूजर कौन हो गया, लूजर जिसने अपनी यूटिलिटी को छोड़ दिया ए को बेटर ऑफ करने के लिए। समझ आ रहा है ना कि दो इंडिविजुअल हैं ए एंड बी, ए को बेटर ऑफ होना है, तो बी लूजर अपने तरीके से बन गया, अपने आप से बन गया, क्योंकि उसने अपनी यूटिलिटी को कम कर दिया, लूज कर दिया ए को बेटर ऑफ करने के लिए। देन द गेनर कंपनसेट द लूजर फॉर द लूज ऑफ यूटिलिटी एंड स्टिल मेक अ गेन। तो कैलडर क्या कहता है, अगर ऐसा कोई सिचुएशन आ जाए जिसमें ए गेनर है और बी लूजर है, बी अपनी मर्जी से लूजर बना है ए को बेटर ऑफ करने के लिए, मतलब ए की यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करने के लिए, तो जो गेनर है, ए वाला जो गेनर है, उसको कंपनसेट करना पड़ेगा कुछ अमाउंट लूजर को, ताकि जो उसने लूज किया अपनी यूटिलिटी वो अपना पूरा कर पाए और तब भी ए कुछ ना कुछ गेन कर रहा हो। ये आपको डायग्राम के थ्रू अभी इजीली और समझ आ जाएगा। अभी आप ऐसे ही पढ़िए कि अगर ए गेनर है और बी लूजर है, और ए को बेटर ऑफ करने के लिए बी अपने आप लूज कर रहा है अपनी यूटिलिटी को,
तो एक को उसे कंपनसेट करना पड़ेगा, मतलब गेनर को कंपनसेट करना पड़ेगा लूजर को कुछ सम ऑफ अमाउंट जितना उसने लूज किया है अपनी यूटिलिटी से, और फिर भी उसे अपना बैटर ऑफ गेन करना पड़ेगा, यूटिलिटी उसकी थोड़ी सी इंक्रीज होगी एक ही, तब भी हम इसको डायग्राम से देख लेंगे और अच्छे से समझ आ जाएगा। अब हिक्स का क्राइटेरिया क्या था? हिक्स कंपनसेशन क्राइटेरिया ये था, इफ द चेंज इन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन मेक समवन बेटर ऑफ एंड अदर वर्स ऑफ देन द चेंजेस इंक्रीज इन वेलफेयर सोशल वेलफेयर। अब ये भी वही कह रहा है कि अगर एक बेटर ऑफ होता है और दूसरा वर्स ऑफ होता है एक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में, तो सोशल वेलफेयर इंक्रीज होता है। अब वो कितना इंक्रीज होता है ये देखते हैं, ये भी इसने देखा था हिक्स ने। तो द लूजर हैव टू टेक द लूज ऑफ द यूटिलिटी फ्रॉम द गेनर एंड द गेनर स्टिल मेक सम गेन। इसने भी वही बात कह दी कि जो लूजर है उसको अपनी जो यूटिलिटी उसने लूज की है उसका कुछ अमाउंट लेना पड़ेगा, उसका कुछ अमाउंट गेनर से छीनना पड़ेगा, मतलब गेनर से लेना है, और फ्रॉम द गेनर, गेनर से लेना है, एंड द गेनर स्टिल मेक सम गेन, और गेनर वाले को जिसने अपना अमाउंट दिया है उसको तब भी कुछ गेन करना पड़ेगा। तो देखो, आप कैल्डर ने कहा था कि गेनर को देना पड़ेगा और हिक्स कह रहा है लूजर को अमाउंट लेना पड़ेगा। दोनों ने सेम ही थ्योरी दी है, एक ने गेनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक ने लूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें हाँ इसलिए हम दोनों को साथ में मिलके पढ़ते हैं। अब आगे देखेंगे, हिक्स हैज गिवन हिज क्राइटेरिया फ्रॉम लूजर्स पॉइंट ऑफ व्यू। अभी मैंने कहा कि हिक्स ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू लूजर पॉइंट ऑफ व्यू से दिया है और कैल्डर ने अपना क्राइटेरिया गेनर्स पॉइंट ऑफ व्यू से दिया है या विनर पॉइंट ऑफ व्यू से दिया है। तो दैट्स वाई दे आर जनरली कॉल्ड बाय अ सिंगल नेम, इसलिए हम इन दोनों को सिंगल नेम से बुलाते हैं, जो बन गया कैल्डर हिक्स कंपनसेशन प्रिंसिपल। तो ये हम आगे डायग्राम में देखते हैं आप। तो ओ ए और ओ बी, ओरिजन ए का है, ओरिजन बी का है, ठीक है। यहाँ पे एक्स एक्सेस वाई एक्सेस इन दोनों साइड पे और एक्स एक्सेस वाई एक्सेस बी की इन दोनों साइड पे। अब हम देखते हैं इनकी यूटिलिटी लेवल और आई सी कर्व से डिराइव होता है यूटिलिटी लेवल। तो आई सी कर्व हम बनाएंगे और आई सी कर्व को शिफ्ट करेंगे, ये इनका एजवर्थ बॉक्स बन गया। कंज्यूमर ए, कंज्यूमर बी, या फिर इंडिविजुअल ए, इंडिविजुअल बी, आप कुछ भी बोल सकते हैं। पॉइंट ई है परेटो ऑप्टिमल। यहाँ पे ये वाला जो कर्व आ रहा है ये है यू ए ई, और ये वाला जो कर्व आ रहा है ये है यू ए बी, मतलब आई सी कर्व जो है यू ए ई, मतलब यूटिलिटी लेवल ए का ई पॉइंट पे, और ये वाला जो कर्व आ रहा है ये बी कंज्यूमर का है, बी का ओरिजिन इधर से बन रहा है, तो आई सी इसका कॉनकेव बनेगा, पर अगर हम उल्टा करके देखें तो वो कॉन्वेक्स ही रहता है। अब इसमें क्या हुआ, ये वाला कर्व कैसे हो गया, ये वाला कर्व का हमने नाम दे दिया यू बी ई, मतलब यूटिलिटी बी की बट ई पॉइंट पे। तो दोनों कंज्यूमर यहाँ पे परेटो ऑप्टिमल होते हैं। अब ये कहते हैं कि ए को बेटर ऑफ करना है तो बी कुछ अमाउंट लूज कर देगा, तो इसको जैसे ई से सी पॉइंट पे आना है, परेटो ऑप्टिमल पॉइंट ई से सी पे आना है, तो ई से सी पे आने के लिए जो ए है वो इंक्रीज करेगा अपना आई सी और वो आ जाएगा यू ए ई से यू ए सी पे। अब सी पॉइंट ले लिया है हमने तो यू ए सी नाम दे दिया इसको, तो आई सी इसका शिफ्ट हो गया यू ए ई से यू ए सी तक, ठीक है, इसका आई सी शिफ्ट हो गया। अब बी का देखते हैं, तो बी अपना, मतलब बी ने ए को बेटर ऑफ करने के लिए अपना वर्स ऑफ करा है, तो ये आई सी आगे जाने की बजाय ये आई सी पीछे आएगा, तो आई सी पीछे आ गया और इसका बना यू बी सी, ये पॉइंट पे आ गया यू बी सी, और इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट को हमने सी नाम दे दिया और ये परेटो ऑप्टिमल पॉइंट है, परेटो एलोकेशन हो गई ये, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये तो हमने नॉर्मल पढ़ा ही है, ऐसा परेटो क्राइटेरिया में होता ही है, परेटो ऑप्टिमल कंडीशन में ऐसा ही होता है कि एक को बेटर ऑफ करने के लिए दूसरे को वर्स ऑफ होना ही पड़ता है। अब कैल्डर और हिक्स ने क्या कहा था कि जो गेन कर रहा है, जैसे यहाँ पे ए गेन कर रहा है, ए अपने आई सी ए यू ए ई से आई सी यू ए सी पे शिफ्ट हो रहा है, पर बी लूज कर रहा है, बी अपना आई सी कम कर रहा है, कम कर रहा है ना, ये अगर इंक्रीज करता तो इस साइड बनता, पर ये ऐसा कर नहीं रहा है, इसलिए लूज कर रहा है, तो लूज कर रहा है यू बी ई से यू बी सी पे जा रहा है ये। तो कैल्डर ने क्या कहा था कि गेनर को कुछ अमाउंट देना पड़ेगा गेनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और हिक्स ने क्या कहा था कि लूजर को कुछ अमाउंट लेना पड़ेगा, तो दोनों का सेम ही मतलब था। अब हम क्या करेंगे, अब ए कुछ अमाउंट अपना बी को दे देगा,
अब ये क्या करेगा, सी से एक और पॉइंट पे शिफ्ट हो जाएगा जहाँ पे ए अपना यूटिलिटी लेवल कम कर रहा है। अब ए का यूटिलिटी लेवल क्या है, यू ए सी है, तो ये कम करेगा अपना यूटिलिटी लेवल क्योंकि इसको बी को कुछ अमाउंट देना है, कुछ सेटिस्फैक्शन यूटिलिटी उसको बी को प्रोवाइड करानी है, और तभी बी का यूटिलिटी लेवल इंक्रीज हो जाएगा या आई सी कर्व इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, आई सी कर्व शिफ्ट हो जाएगा। तो ये चले जाएंगे सी पॉइंट से अब एफ पॉइंट पे। एफ पॉइंट पे क्यों आए ये, जहाँ पे जो बी था वो अपना यूटिलिटी लेवल इंक्रीज करेगा क्योंकि ए उसको कुछ अमाउंट दे रहा है, तो ये अपने उसी पॉइंट पे आ गया जहाँ पे ये पहले था यू बी ई नाम का। तो यू बी सी से ये उसी पॉइंट पे वापस आ गया क्योंकि इसने उसको इतना अमाउंट दे दिया कि उसी सेटिस्फैक्शन लेवल पे वो वापस आ गया। पर ए अपना उसी लेवल पे नहीं आया वापस क्योंकि बी को उसने सारा अमाउंट नहीं दिया था, नहीं तो वो ये वाले पॉइंट पे आता यू ए ई नाम का, पर वो इतना नहीं आया, वो इतना ही आया जिसमें बी को सेटिस्फैक्शन मिल जाए और उसने अपने यूटिलिटी लेवल या आई सी कर्व को नाम दिया यू ए एफ। अब एफ पॉइंट से डिराइव हो रहा है तो हमने यू ए एफ लिखा है। तो ये टोटल में कहूँ तो ई से एफ पे शिफ्ट हुआ है, सिर्फ ई से पहले सी पे गया, फिर सी से उसने अमाउंट कंपनसेट किया और वो अब एफ पे आ गए। तो इसको हम बोल सकते हैं पहले ये ई से सी लेवल पे गया और उसके बाद सी से एफ लेवल पे आए अमाउंट कंपनसेट करके, और अमाउंट कितना कंपनसेट किया, ई सी पहले बड़ा वाला अमाउंट जितना उसने गेन किया था उतना, उसमें से अगर हम माइनस कर देते हैं ई एफ को तो इतना अमाउंट कंपनसेट किया है जो कि आ गया एफ सी। तो एफ सी अमाउंट उसने कंपनसेट किया है बी को, या बी ने लिया है ए से। तो आई होप आपको ये कंपनसेशन प्रिंसिपल अच्छे से समझ आया होगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पर आप अगर अच्छे से एक और बार वीडियो देख लेते हैं या फिर आप एक बार अपनी बुक खोल के पढ़ लेते हैं तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हम आगे देखते हैं, द मूव फ्रॉम सी टू ई इज एक्चुअल। सी टू ई का मूव जो था, सी से ई तक जैसे हम गए थे वो एक्चुअल मूव था, और ये जो वर द मूव फ्रॉम ई टू एफ, ई से एफ तक का हाइपोथेटिकल है, मतलब ई से एफ हम डायरेक्टली नहीं आए, पहले हम ई सी पे गए फिर सी से एफ पे आए। तो ये जो एक्चुअल मूव था वो था सी टू ई टू सी, और ई टू एफ का जो मूव था वो था हाइपोथेटिकल, ये कैल्डर ने कहा है। सो कैल्डर प्रपोज दैट वी कैन कंपेयर परेटो इनकम्पैटिबल पॉइंट्स वियर द हाइपोथेटिकल कंपनसेशन। अब ये परेटो क्राइटेरिया में चल रहा है, मतलब ये एजवर्थ बॉक्स ही है, तो एजवर्थ बॉक्स में ही पहले हम सी पे गए फिर सी से एफ पे आए, तो ये जो पॉइंट हो गया ये हाइपोथेटिकल हो गया ई से एफ तक, और हाइपोथेटिकल पॉइंट हो गया इसलिए ये परेटो इनकम्पेरेबल सिचुएशन बन गई। तो कैल्डर ने बोला कि हम परेटो इनकम्पेरेबल पॉइंट्स को हम देख सकते हैं या कंपेयर कर सकते हैं थ्रू हाइपोथेटिकल कंपनसेशन जो गेनर ने लूजर को करी थी या लूजर ने गेनर को करी थी। तो ये कंपनसेशन प्रिंसिपल इतना ही कहता है। आई होप आपको पूरा कंपनसेशन प्रिंसिपल अच्छे से समझ आया होगा। ये पेपर में क्वेश्चन आ ही जाता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप अच्छे से एक बार रीड कर लीजिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर ये क्वेश्चन आप डील करना चाहते हैं तो इस एजवर्थ बॉक्स की आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी देनी होगी जो आपकी बुक में है, तो आप जाके बुक को एक बार रीड कर लीजिए। थैंक यू सो मच, आज का लेसन यहीं खत्म होता है।